हेलो दोस्तों, आपका एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एमके स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एमके स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। आप इन क्लासों को देखकर अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को सही दिशा में ले जा सकें। इन क्लासों के प्रश्नों की पीडीएफ एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर सेकंड ग्रेड भर्ती का है, जो आरपीएससी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 0A है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ लोक देवता दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके तीर्थ स्थल। तल्लीनाथ जी, पांचौटा गांव, जालौर, तेजा जी, परवतसर, नागौर, देवनारायण जी, आसिंद, भीलवाड़ा, पावू जी, कोलू गांव, फलौदी। ऑप्शन 4। संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य। ऑप्शन 3, रामानंद। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सरसुरा का मेला या बेड़ेश्वर मेला। ऑप्शन 4, बेड़ेश्वर मेला। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णा आड़ा, भक्त राम साहा, बांकी दास या नरोत्तम। ऑप्शन 2, बकत राम साहब। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? माणिक्य लाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या के.एम. मुंशी। ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इन क्लासों का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, गेवर माता या महामाया माता। ऑप्शन 4, महामाया माता। उन्नीस सौ छत्तीस में
मेगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की? बीकानेर, कलकत्ता, बंबई या अजमेर? ऑप्शन दो, कलकत्ता। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है 852 और 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, 834 और 887 किलोमीटर। ऑप्शन तीन, 826 और 869 किलोमीटर। गोड़वाड़ प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाही बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध बेसिन? ऑप्शन एक, लूनी जवाही बेसिन। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW, BSHW, CWG या AW? ऑप्शन एक, BWHW। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर या वृंदावन? ऑप्शन चार, वृंदावन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी उच्च उपज किस्म। गेहूं की किस्म राज 377, जौ की किस्म RD 235, बाजरे की किस्म RHB 30 और मक्का की किस्म माही कंचन। ऑप्शन एक, राजस्थान में पूगल नस्ल है बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊंट की? ऑप्शन दो, भेड़ की। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी या मोरेल? ऑप्शन दो, पार्वती। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है?
बच्चों का लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1%, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1। ऑप्शन एक, बच्चों का लिंगानुपात 888, यह सही है। और महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1%, यह भी सही है। सी और डी गलत हैं। सूची फर्स्ट में पर्यटन केंद्र को सूची सेकंड में जिला से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फूल सागर, बूंदी, गागरोन का किला झालावाड़, जगदीश मंदिर उदयपुर और किराड़ू मंदिर बाड़मेर। ऑप्शन तीन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 1978, 1985, 1972 या 1975? ऑप्शन चार, 1975। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? ऑप्शन तीन, तीसरी अनुसूची। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। ऑप्शन एक, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 18, 17%, 16% या 15%? ऑप्शन चार, 15%। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होगा। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। ऑप्शन एक, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यह सत्य नहीं है। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन तीन, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग? ऑप्शन तीन, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के प्रधान को या जिला कलेक्टर को? ऑप्शन दो, विकास अधिकारी को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे या गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं? ऑप्शन एक, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 19 फरवरी 1997 या 18 जनवरी 1999? ऑप्शन चार, 18 जनवरी 1999।
राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। सांवर झील, खीचन, उदयपुर या अजमेर। ऑप्शन दो, खीचन, आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संदेश संकेत देती है? ताम्र उपकरण, शैल खड़ी मन के, लैपिस लाजुली या टेराकोटा मन के। ऑप्शन तीन, लैपिस लाजुली। सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, आहड़ से, बैराड से, गणेश्वर से या कालीबंगा से। ऑप्शन चार, कालीबंगा से। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? बैराट, कालीबंगा, आहाड़ या बनावली। ऑप्शन एक, बैराट। रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव द्वारा किस मुगल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तैमूर खां, मोहम्मद शाह, खैबरू या मोहम्मद खान। ऑप्शन दो, मोहम्मद शाह। नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमेंद्र या चंद्रवरदाई। ऑप्शन तीन, राजशेखर। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतल देव, कानड़ देव, महलक देव या बीसल देव। ऑप्शन दो, कानड़ देव। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहाड़, बैराट, कालीबंगा या गणेश्वर। ऑप्शन चार, गणेश्वर। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या रामभद्र। ऑप्शन दो, देवपाल।
प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड, गोगुंदा, देवेर या चित्तौड़? ऑप्शन एक चावंड। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? श्री सत्यदेव विद्यालंकार, हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता या मास्टर भोलानाथ? ऑप्शन एक श्री सत्यदेव विद्यालंकार। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, यह सही है। इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा स्थापित की, यह भी सही है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, यह कथन भी सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के एक अखाड़ा स्थापित किया, यह कथन भी सही है। ऑप्शन चार ए बी सी और डी चारों कथन सही है। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रह राज चतुर्थ, देवदत्त या अर्णोराज? ऑप्शन दो विग्रह राज चतुर्थ। दोस्तों आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पेपर सेकंड ग्रेड भर्ती का है, जो आरपीएससी के द्वारा 19 फरवरी 2019 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 0B है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या सावंत सिंह? ऑप्शन दो रामावतार अग्रवाल। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या उंगली? ऑप्शन तीन पैर। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्णन रुकमणीरी किस भाषा में लिखी गई? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? ऑप्शन दो डिंगल। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावाटी, डोडाण या बागड़?
ऑप्शन चार बागड़, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? ऑप्शन चार जोधपुर। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या डूनाड़ी? ऑप्शन चार डूनाड़ी। किस दुर्ग को गढ़ बेटली के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? ऑप्शन एक तारागढ़। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड? ऑप्शन चार नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ प्रदेश दे रखा है, दूसरी तरफ पर्वत चोटी। उत्तरी अरावली प्रदेश में भानगढ़, मध्य अरावली में तारागढ़ और दक्षिणी अरावली में ऋषिकेश पर्वत चोटी स्थित है। ऑप्शन दो निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपाह तंत्र से संबद्ध नहीं है? रूपनगढ़, खांडेल, मेंडा या मित्री? ऑप्शन चार मित्री। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, सिवाण, कोलायत या आमेर? ऑप्शन दो सिवाण। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? ऑप्शन दो बीकानेर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ पशु दे रखा है, दूसरी तरफ नस्ल। ऊँट की नस्ल बीकानेरी, भेड़ की नस्ल मगरा,
बकरी की नस्ल जखराना, गाय की नस्ल राठी। ऑप्शन 3। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या अजमेर? ऑप्शन 3, जयपुर। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जालौर या बाड़मेर? ऑप्शन 4, बाड़मेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, कंटीले वन और झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन या शुष्क सागवान वन? ऑप्शन 4, शुष्क सागवान वन। निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्थिति। सीमेंट, मोड़क, उर्वरक, गड़ेपान, गिलास या कांच, लीलवानी, तावा, खेतड़ी। ऑप्शन 3, गिलास, लीलवानी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। एक तरफ पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले। पांडुपोल, अलवर, जसवंत थड़ा, जोधपुर, लालगढ़, बीकानेर, गागरौन का किला, झालावाड़। ऑप्शन 3, निम्नांकित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव और उनकी अवधि दे रखी है। ऑप्शन 3, मीठा लाल मेहता 1 जनवरी 2000 से 26 अक्टूबर 2012 तक। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव या शासन सचिव? उपर्युक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले मुख्य सचिव,
दूसरे नंबर पर शासन सचिव, तीसरे पर अतिरिक्त सचिव और चौथे नंबर पर उप सचिव। ऑप्शन चार, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या मुख्यमंत्री? ऑप्शन एक, राज्यपाल। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। ऑप्शन दो, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। दो अक्टूबर 1969 को नागौर में राजस्थान पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधा कृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन चार, जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी? ऑप्शन दो, जिला प्रमुख। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया है। ऑप्शन चार, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1998, 1999, 2000 या 2001? ऑप्शन दो, 1999। कौन सी फसल का उत्पादन आहाड़ में नहीं होता? गेहूं, बाजरा, चावल या जौ? इस प्रश्न को आरपीएससी के द्वारा अपनी फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया। गुर्जर प्रत्याहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो, भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर?
ऑप्शन एक पीलो मोलो भीनमाल, हर केली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन हैं? अजय राज चौहान, विग्रह राज प्रथम, विग्रह राज चतुर्थ या पृथ्वी राज चौहान? ऑप्शन तीन विग्रह राज चतुर्थ, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? पानीपत, खातौली, नागौर या उदयपुर? ऑप्शन दो खातौली। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? 1599, 1601, 1603 या 1605? ऑप्शन चार 1605। सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टॉड, कैप्टन हॉकिंस या आरसी अग्रवाल? ऑप्शन एक कैप्टन बर्ट। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी या गोपाल सिंह खैरवा? ऑप्शन एक गोविंद गुरु। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या मेघाराम बैद? ऑप्शन दो माणिक्यलाल वर्मा। मत्स्य संकर राजस्थान में विलय कब किया गया? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या 26 जनवरी 1950? ऑप्शन तीन 15 मई 1949। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री या कालीबाई? ऑप्शन चार कालीबाई। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लीनाथ, हरबू जी, तेजा जी या देव जी? ऑप्शन तीन तेजा जी। किस शासक को
अस्मत वाला राजा कहा जाता था। शेरशाह सूरी, राम मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? ऑप्शन दो, राम मालदेव, दोस्तों आप इन क्लासों को जरूर देखें क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में 60 से 70% राजस्थान जीके के प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करना अति महत्वपूर्ण है, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। इसलिए आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन सभी को मिल सके।